इसका मतलब ये हुआ कि कल पाकिस्तान की ईद है। हाँ भाई, सालगिरह भी तो ईद जैसी होती है ना बेटा। अब जरा गौर से सुन, ये दो तारें जोड़ने से बम का टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि गीदड़ की मौत से शेर की मौत बेहतर है, और वो शहीद हो गए। शहीद कभी मरा नहीं करते बेटा। क्या दिया इस मुल्क ने हमें? मुझे क्या दिया है? आपको क्या दिया? अब्बा को क्या दिया? भूख, गुर्बत, बेरामी। कितने में सौदा किया है तूने अपने जमीर और मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत और ख्वाबों का? सारी जिंदगी का सौदा अम्मा, सारी जिंदगी के सुख का सौदा, सारी जिंदगी की रोटी का सौदा, सारी जिंदगी की दवाइयों का सौदा। रुक जा सर, रुक जा, वरना वरना मेरा हाथ नहीं रुकेगा। आप फिर से यहाँ खड़ी सोचो मैं बम है। कितनी मर्तबा कहा है अम्मा, खुद को इस तरह मासी के अंधेरों में मत रोंदा करें। मैं खुद को कहाँ रोलना चाहती हूँ बेटी, लेकिन क्या करूं, जब भी तुम्हारे ससुर की बरसी आती है तो सारी यादें ताजा हो जाती है। अच्छा, आप ज्यादा परेशान ना हो, आपका बेटा आएगा तो आपके चेहरे पे परेशानी देख के हजार सवाल करेगा। कल सुबह 10 बजे शहर के बड़े पार्क में मरकजी जलसा होगा। वहां स्टॉल नंबर 3 पर वो पूरा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। स्टॉल को सजाने के लिए तुम्हारे पास परचम वाली झंडियां, लड़ियां और कुछ गुब्बारे होंगे। तो सारे सामान को मोटरसाइकिल पर इस तरह से फैलाना के किसी को कोई शक ना हो। जो तुम्हारे अंदर जाने का पास है। इसे पहले से गले में लटका कर रखो। गेट पर पुलिस वाले चेकिंग कर रहे होंगे। तुझे गेट नंबर 2 पर सुबह 7:30 बजे पहुंचाना। तो ऐसे ही करीम की हमने वहां ड्यूटी लगवा दी, वो मौका मिलते ही तुम्हें अंदर भेज देगा। गेट पर दिखावे के लिए पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। जो तेरी मोटरसाइकिल समेत तुम्हारे सारे सामान की चेकिंग। तुम घबराना मत, अंदर दाखिल होते ही स्टॉल नंबर 3 पर चले जाते। वो पूरा सामान अंदर ले जाने के बाद मोटरसाइकिल को स्टॉल के अंदर ले जाएगा। फिर क्या होना था मेरा बच्चा, तुम्हारे दादा ने एक ललकार लगाई और सबके होश उड़ गए। फिर जब तुम्हारे दादा ने निकाली पिस्तौल तो सारे गद्दार भाग गए। दादा बहुत बहादुर थे ना दादू। हाँ बेटा,
फिर वो मर क्यों गए? असफर क्यों हर वक्त दादी को तंग किए रखता है? चल बाहर जाके खेल। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं, बैठा रह, मेरी बात सुन। बेटा मर तो सपने जाना है। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि गीदड़ की मौत से शेर की मौत बेहतर है, और वो शहीद हो गए। शहीद कभी मरा नहीं करते बेटा, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जरा गौर से सुन, ये दो तारें जोड़ने से बम का टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। तुम लोगों के पास वहां से निकलने के लिए 15 मिनट। तुम ये तारें उस वक्त जोड़ना जब जलसा शुरू हो जाए। मोटरसाइकिल रात को तुम्हारे पास ही रहेगी, बहुत एहतियात की जरूरत है। जरा सी गलती भी तुम्हारा पूरा मोहल्ला उड़ा सकती है, इसमें इतना बारूद है, समझ गए ना? समझ गया। इस काम को हल्का मत समझना। जलसे में मशहूर सियासी शख्सियत मेहमान खुसूसी है। अगर तू इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इतना माल मिलेगा कि तू आराम से किसी दूसरे मुल्क में जिंदगी गुजार सकता है। चलो निकल यहाँ से, यहाँ पर ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। अब जा, जा जाके खेल। नहीं दादू, अभी तक तो अब्बा भी घर वापस नहीं आए, और आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे मोहल्ले की दुकान से घर से जाने के लिए झंडियाँ लेकर देगी। चलो दुकान खुली है, मैंने देखा है अभी। अच्छा देखा खुद? अल्लाह, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा हाथ तो छोड़, चल चल, ओए होए, चल चल। ओ हेलो, किधर है? किधर रवाना है ये सवारियां? वो जी मैं घर जा रहा था। और किधर धकेले लिए जा रहे हो? ये मोटरसाइकिल किसका है? ये मेरे दोस्त का है, पेट्रोल खत्म हो गया था ना, तो दूर रहता है वो। उसने कहा आज की रात अपने घर खड़ी कर ले, सुबह ले जाएगा। अच्छा मोटरसाइकिल उसने रखी हुई है, पेट्रोल के पैसे नहीं है उसके पास? चल कागज निकाल। कागज तो नहीं है मेरे पास, वो उसके पास ही होंगे, ज़रा दूर नहीं गया होगा। अगर कहते तो मैं उसको बुलवा लाता हूँ। असगर बेटा, तू इधर क्या कर रहा है? उधर तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, जा बेटा घर जा। क्यों भी बुजुर्गो, आप जानते हैं इस बागड़ बिल्ले को? हाँ अपनी सुगरा का बेटा है। अच्छा 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 अच्छा, वो माई जो बच्चों को कुरान पढ़ाती है? हाँ वो ही। चल वे शहजादे, जिस केस में माँ का नाम आ जाए मैं वो फाइल ही बंद कर देता हूँ, तुझे भी माफ किया इस माँ के सदके। चल
ए रुकैया बेटी, ए बस थोड़ा सा आराम भी कर ले मेरा बच्चा, अभी 24 घंटे नहीं हुए बुखार उतरे को और तूने फिर से घर का काम शुरू कर दिया। कल भी तो मैंने ही काम करना है ना अम्मा, बेहतर है आज ही खत्म कर लूँ। ए हयाती बर्बाद करके रख दी मैंने तेरी, असगर के साथ ब्याह करके न जिंदगी भर सुकून मिला और न आराम। बस अम्मा, अब यही मेरा नसीब। दादो। हाँ बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि कल पाकिस्तान की ईद है? हाँ भाई, सालगिरह भी तो ईद जैसी होती है ना बेटा। तुम चाहो तो इसे सालगिरह कह लो या ईद। दादो। हाँ। कल हम जलसे पे जाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं जाएंगे, मगर एक शर्त है बेटा, वो ये कि कल सुबह सुबह उठकर तुमने सारे घर को झंडियों से भर देना है, और ये जो बड़े वाला झंडा है ना, ये छत पे लहरा देना। नहीं नहीं दादो, मैं तो आज ही झंडियाँ भी लगा दूंगा और परचम भी लहरा दूंगा। देखना हमारा घर ना सात पले पप्पू से भी ज्यादा खूबसूरत सजेगा। आए जीता रहे मेरा बच्चा, पप्पू को क्या पता है कि घर किस तरह सजाया जाता है। लगता है इस बार भी मेरा बेटा ही जीतेगा। मुझे अभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कहा था आराम कर ले, ये असर अभी तक क्यों नहीं आया? अरे वाह अब्बा, मोटरसाइकिल किसकी है? अम्मा देखो अब्बा मोटरसाइकिल लाए हैं। ओए हट पीछे, पराई चीज है, पराई चीज को हाथ नहीं लगाते। अगर कुछ हो गया तो नुकसान भरना पड़ेगा। ए नुकसान का इतना ही डर था तो पराई चीज को लेकर क्यों आए इस घर में? माँ दोस्त की है, वो घर के पास ही पेट्रोल खत्म हो गया था। शहर में इतने हंगामे हो रहे, सारे पेट्रोल पंप बंद हैं। सुबह पेट्रोल डलवा के वापस छोड़ रहा हूँ। रुकैया राय के मुताबिक शहर भर की पुलिस को रेड अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि शहर में बड़ी तकरीब के मौके पर किसी तखरीबकारी का अंदेशा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 रोज पहले छापों में गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों ने अहम इंकशाफात किए हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश को फिलहाल खुफिया रख रही है, लेकिन बहुत जल्द अहम राजों से पर्दा उठने की तवक्को है। अब मौसम का हाल, महकमा मौसमियात के मुताबिक आग लगाई हुई है सारे मुल्क में इन कमबख्त दहशतगर्दों ने। दादो। हाँ बेटा। ये दहशतगर्द क्या होता है? बेटा ये दहशतगर्द सबसे बुजदिल इंसान होते हैं। सबसे बुजदिल आदमी होता है तो पुलिस वाले दहशतगर्द से डरते क्यों हैं? बेटा सब पुलिस वाले दहशतगर्द से नहीं डरते, जिनके ईमान कमजोर और दिल में बेईमानी का चोर होता है ना, वही उनसे डरते हैं। है बेटा ये तो बता, रुकैया की दवाई लाया है कि नहीं? अम्मा दवाई पैसों से आती है और मेरी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। उम्मीद है कि कल तक आ जाएंगे पैसे कहीं से, फिर ले आऊंगा दवाई। बेटा 50-60 रुपए तो अब भी हैं मेरे पास, अगर उनमें काम चल सकता है तो ले लो। माँ,
अम्मा 750 रुपए की दवाइयां और इंजेक्शन आते हैं हर महीने, 250 रुपए बचत में तो दूध भी नहीं आएगा महीने का। जल्दी करना, अभी पूरा घर पड़ा हुआ है सजाने को। शाबाश शाबाश, चल जल्दी से दूसरी झंडी को लगा। दादो। हाँ। ये बिजली बार बार क्यों जाती है? मैं बताती हूँ बेटा, जब दरियाओं में पानी कम हो जाता है ना, तो बिजली कम तैयार होती है, फिर सारे मुल्क को बराबर की बिजली देने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। क्या हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है? हाँ बेटा, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ज़रा ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत जल्द इस पे काबू पालेगा। मत दिखाइए बच्चे को झूठे ख्वाब अम्मा। अम्मा हमारे नसीब में ये अंधेरा और ये गर्मी लिखती गई है, मत दिखाइए इसको झूठे ख्वाब, मत दिखाइए। ख्वाब देखेगा तो ताबीर की सोचेगा ना। तू क्या चाहता है कि इसके कच्चे जहन में मायूसी का जहर भर दूं, ताकि ये भी तेरी तरह कोई अच्छी बात ना सोच सके? झूठे ख्वाब की मिठास से सच का कड़वा जहर पीना बेहतर है अम्मा। तूने मुझे भी सारी जिंदगी यही सिखाया, हमेशा मुझसे यही कहती रही कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मर मर के तालीम मुकम्मल की तो सिफारिश और पैसा नहीं था नौकरी के लिए, मजदूरी शुरू की तो ठीक तरह से बेईमानी भी ना कर सका, क्योंकि आपने सिखाया हुआ था कि बेईमानी नहीं करनी। नतीजा क्या निकला? मैं दर बदर की ठोकरे खाता रहा और आप सारी जिंदगी सच और ईमानदारी का अलाप अलापती रही, जबकि इस मुल्क में वही कामयाब हुआ जो झूठ और बेईमानी के गुर जानता है। झूठ, बेईमानी, रिश्वतखोर, जमीर फरोशों को इस मुल्क में अकलमंद कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि वक्त की दौड़ में वक्त के साथ साथ चल रहे हैं। अम्मा वैसे अम्मा मान क्यों नहीं लेती आप कि आप और अब्बा इस दौड़ में पीछे रह गए हैं? मेरा बाप एक नाकाम शख्स था जो सारी जिंदगी अपनी नाकामी तलाश करता रहा। तू क्या चाहता है कि तेरा बाप उन जमीर फरोश लोगों में शामिल हो जाता जिन्होंने मुल्क के क्याम के कुछ अरसे बाद ही जाली कलेम और हुंडी के जरिए बहुत सारी जायदादें हथिया ली और उनकी नई नस्ल पैसे के बलबोते पर मुल्क की तकदीर बदलने को चली? हम दोनों मियां बीवी ने तो इज्जत और शराफत कमाई, क्या बुरा किया हमने? अम्मा मुल्क 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 क्या दिया इस मुल्क ने हमें? मुझे क्या दिया है? आपको क्या दिया? अब्बा को क्या दिया? भूख, गुर्बत, बेरामी, कुछ भी तो नहीं दिया। थोड़ी सी इज्जत वो भी नहीं दे सका मुल्क। अम्मा उधर गली में पुलिस वाले ने अब्बा को गिरेबान से पकड़ लिया था सिर्फ इस वजह से कि अब्बा उनको 200 रुपए रिश्वत नहीं दे रहे थे। बहुत छोटा था अम्मा, लेकिन मुझे आज भी सब याद है। चंद भटके हुए लोगों की हमाकत और जुर्म का इल्जाम तुम पूरे मुल्क को नहीं दे सकते बेटा। मैं मानती हूँ हमारा निजाम बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुका है, हम मंजिल का सिरा खो चुके हैं, चंद लोग हैं जो हमें बहकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि हम भटक कर उन्हीं की राह पर चल पड़े। अम्मा कौन सी राह और कौन सी मंजिल? इस मुल्क में जोर और पैसे का राज है, जोर वाले को सलाम है, पैसे वाले को सलूट। अब जानती है अम्मा, गरीब मैकेनिक राशिद एम्बुलेंस के अंदर ही मर गया था। पता है क्यों? क्योंकि माल रोड पर एक वीआईपी मूवमेंट चल रही थी और उस मूवमेंट की वजह से
गरीबों मस्कीनों की राह रोक दी गई थी और वो बेचारा एम्बुलेंस के अंदर ही तड़प तड़प कर मर गया। जब उसको हॉस्पिटल से लाया जा रहा था तो अस्पताल वालों ने पैसे लिए उसकी लाश देने के, उसका पोस्टमार्टम ना करने की फीस ली है पुलिस वालों ने। उसकी बिचारी बीवी पर इतना जुल्म किया है कि जब वो घर वापस आई तो कफन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। खैराती कफन पहनाया गया और खैराती कब्रिस्तान में दफन किया गया। VIP वुमेन जिंदाबाद। मैं तुम्हारी तलखी की वजह समझती हूँ बेटा, लेकिन मायूसी कुफर है। एक घिसी पिटी सी बात कर रही हूँ जो आज भी सच है। ये मत सोचो कि मुल्क ने तुम्हें क्या दिया, ये सोचो कि तुमने मुल्क को क्या दिया। ये सब हम गरीब अवामी क्यों सोचे? वो जो बड़े बड़े बंगलों में बैठे हैं वो क्यों नहीं सोचते? आप जानती हैं अम्मा, फजलू को 7 साल की कैद हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि उसके स्कूटर में से 2 शराब की बोतलें बरामद हुई थी। उसको तो गिरफ्तार कर लिया, सजा भी सुना दी, मगर उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि वो किस बड़े बंगले, किस बड़े फार्म हाउस, किस बड़े होटल में सप्लाई देने जा रहा था। आज भी उन बड़ी बड़ी जगहों पर सब कुछ हो रहा है। कितने शर्म की बात है, जिन पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया था वही पुलिस वाले उन बड़े बड़े बंगलों, उन फार्म हाउसेस, उन होटल्स के बाहर पहरा देते हैं। अम्मा, अगर कोई ठेले वाला ये सब करे तो उस पर हद लगा दी जाती है, और अगर वो बड़े लोग ऐसा करें तो ये कहा जाता है कि ज़हनी सुकून के लिए तफरी कर रहे हैं। गलत लोगों के निजाम में आ जाने से सारे निजाम को गलत नहीं कहा जा सकता बेटा। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन एक बात याद रख लेना, कोशिश जारी रहनी चाहिए, थकना नहीं। थक कर रुक गए तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ता चला जाएगा। हो जाता तो क्या हो गया है? बच्चा है, मन मछला तो बैठ गया होगा। मोटरसाइकिल घिस नहीं जाएगी आपको उसके बैठने से। जब मना किया है कि कोई इसके करीब नहीं आएगा तो फिर हाथ क्यों लगा रहा है? लेके जाओ इसको अंदर। चलो तुम। अगर कुछ हो जाता तो। हाय हाय बेटा, ऐसी कौन सी खास बात है इस मोटरसाइकिल में? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। ये चोरी की तो नहीं? असगर बेटा, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई बात छुपा रहे हो। तुम्हारा घबराया होगा चेहरा
ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। कोई ऐसा काम तो नहीं कर लिया जिससे हम लोगों की इज्जत खराब हो? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। नहीं अम्मा कुछ नहीं है, ये मैं कितने में सौदा किया है तूने अपने जमीर और मेरी सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत और ख्वाबों का? सारी जिंदगी का सौदा अम्मा, सारी जिंदगी के सुख का सौदा, सारी जिंदगी की रोटी का सौदा, सारी जिंदगी की दवाइयों का सौदा अम्मा, अपने घर का सौदा कर लिया है मैंने, अपने घर का, वो घर जिस घर में ना बिजली जाएगी ना गैस जाएगी अम्मा, उसके नलकों में जो पानी आएगा वो सरकारी होगा अम्मा, हमारा असफर स्कूल जाएगा तो बाबर्दी ड्राइवरों के साथ, उन्हीं उन्हीं अमीरों के बच्चों की तरह अम्मा, हमारे घर के बाहर पहरेदार होंगे अम्मा, हमारी इज्जत होगी, मैंने इज्जत कमाने का सौदा कर लिया है अम्मा, अम्मा लोग हमें हकीर नहीं समझेंगे, हमारी इज्जत करेंगे अम्मा, मैंने मैंने ये सौदा कर लिया है और ये पक्का सौदा कर लिया अम्मा। ये तूने क्या कर डाला असर बेटा, अरे चंद सिक्कों की खातिर अपने मुल्क का सौदा कर लिया तूने, ये तूने क्या कर डाला बेटा, कालक मल के रख दी तूने सारी जिंदगी की तरबियत पर, क्या कर डाला तूने? नहीं अम्मा, मैंने नहीं सुननी अब तेरी तकरीरें, अब मैंने सिर्फ अपने दिल की सुननी है, मुझसे मेरी खुशियां अब कोई नहीं छीन सकता। किस कीमत पर मासूम लोगों की जानें लेकर, और वो भी उस मुबारक दिन पर जब हमारे वतन का जन्म हुआ था। अरे बेटा तू तो क्यों नहीं समझता कि दुश्मन की बहुत बड़ी चाल है, वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें खोखली कर रहा है, और मैं दुश्मन की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी, तेरे जरिए उसका ख्वाब पूरा कभी नहीं होने दूंगी, समझे तुम? नहीं सुननी मैंने तेरी जज्बाती तकरीरें, नहीं सुननी। रुक जा सर, रुक जा, वरना मेरा हाथ नहीं रुकेगा। अम्मा अम्मा ये क्या कर रही हैं? हट पीछे तू। अम्मा तू अपने खून पे गोली चलाएगी मुझ पर? मैं तेरा बेटा हूँ अम्मा, अम्मा तू भी जानती है तू, मैं सच कह रहा हूँ, ये मुल्क हम जैसों के लिए नहीं है अम्मा, नहीं बना हम जैसों के लिए, तू मुझ पे गोली नहीं चला सकती, मैं तेरा बेटा हूँ अम्मा, नहीं चला सकती गोली। तू सच कहता है बेटा, हम अपनी मंजिल को खो चुके हैं, तो इसमें हमारे मुल्क का क्या कसूर है, एक ना एक दिन सीधा रास्ता जरूर मिल जाएगा, तेरी तरह भटकना नहीं वरना मुस्तकबिल में हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। नहीं अम्मा, तुझे इस खुशफहमी में जिंदा रहना है तो रह, मैं अब इस झूठे भरम के साथ जिंदा नहीं रह सकता। रुक जा सर, रुक जा, अभी भी वक्त है बेटा, हम मिलकर महरूमी और नाइंसाफियों का हल जरूर निकालेंगे। अरे बेटा हम मिलकर लड़ेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर जीत जाएंगे बेटा। अम्मा मैं बहुत आगे जा चुका, नहीं अम्मा मैं नहीं रुक सकता। तुम्हारे अप्पा का पुराना रिवॉल्वर, 47 में उसने अपने हाथों से अपनी सगी बहनों की इज्जत बचाने के लिए उनको शूट कर दिया था,
1965 में अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया, 71 में मुल्क के दुश्मन जो मुल्क को तोड़ना चाहते थे उनके दो जिगरी दोस्तों को सीधा रास्ता दिखाया, और अब तू मुझे मजबूर न कर बेटा कि मैं इस पुराने रिवॉल्वर से कोई और कर्ज अदा कर सकूं। रुक जा बेटा, असगर बेटा मैं तुझे कह रही हूँ, मेरी बात मान ले। असगर मैं कह रही हूँ रुक जा। नहीं अम्मा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं।